गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में जैसे ये वर्क पीस देख रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले राइट एंगल बनाने के लिए सीखेंगे। उसके बाद इसी जॉब पे हम लोग वर्नियर हाइट गेज, एंगल प्लेट और सरफेस प्लेट के सहायता से क्या करेंगे, इस पर मार्किंग करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना होता है कि जैसे ये मेरा रस्ट इससे हम लोग हटा चुके हैं, तो जब हमारा ये वर्क पीस होता है, रस्ट लगा हुआ होता है, तो एक और वर्क पीस दो ना जिस पे मेरा रस्ट लगा हुआ था, कैसे उसको हम इजीली और आसानी से हम लोग राइट एंगल तैयार कर सकते हैं, जिससे हम लोग वर्नियर हाइट गेज में काम कर सकते हैं, उसको हम इसमें बताएंगे। तो जैसे देखो, ये मेरा एक वर्क पीस है जो कि पूरा रस्ट लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सा रस्ट इसका हटाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रस्ट जब इसका हटाना होगा, सबसे पहले बेंच वाइज में हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका जो फ्लैट, ज़्यादा फ्लैट सरफेस जो है, इससे लगा हुआ जो रस्ट है इसको पहले हटाएंगे, इसका दोनों साइड को रस्ट को हटाएंगे। तो उसको हम लोग कैसे हटाएंगे, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेंच वाइस में इस तरह से बांध देंगे। तो बेंच वाइस में बांधने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना है कि जब हम लोग इसको बेंच वाइस में बांधेंगे तो ये मेरा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर का हम इधर अंदर घुसा दिया और इधर ऊपर रख दिए, तो उससे क्या होगा, मेरा जब फाइल करेंगे तो जिधर मेरा अंदर दबा हुआ रहेगा उधर क्या होगा, मटेरियल मेरा नहीं कटेगा और अपोजिट साइड में मेरा मटेरियल ज़्यादा कट जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है हमको, इसको बराबर में बांध के रखना है। क्या करना है, बराबर में बांध के रखना है, दोनों साइड में देखेंगे और इस तरह से हम लोग इसको पहले बराबर में बांध देंगे। ठीक है, जब ये मेरा बराबर में क्लैंप हो जाए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा रस्ट रहेगा तो हम लोग बास्टर्ड फाइल का प्रयोग कर लेंगे, नहीं कम रस्ट रहेगा तो हम लोग सेकेंड कट का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, काम को अपना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहले से रस्ट थोड़ा हटा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड कट फाइल का प्रयोग करेंगे और सेकेंड कट फाइल से हम क्या करेंगे, स्टार्ट से ही इसके ऊपर हम लोग ड्रॉ फाइल करेंगे। ज़्यादा कहीं पे स्क्रेच वगैरह तो उसको थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेट फाइलिंग करके हटा देंगे, उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ फाइल का प्रयोग करना है। ये ड्रॉ फाइल एक ही वन साइडेड करना है, जैसे मतलब एक ही साइड से ड्रॉ फाइल करते जाना है। इसको क्या करना है, ड्रॉ फाइल कभी इधर से नहीं करना है, कभी इधर से नहीं करना है। ऐसे क्या होगा, इसके ऊपर सरफेस जो मेरा तैयार कर रहे हैं इसके ऊपर स्क्रेच आएगा। स्क्रेच क्या आएगा, जैसे इधर से हम काम करेंगे तो एक लाइन का स्क्रेच इधर से गया, जब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो इसमें क्रॉस बनेगा, तो वो क्या होगा, सरफेस मेरा कभी भी स्मूथ चिकना नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वो हमारा स्मूथ और चिकना दिखे उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, एक ही डायरेक्शन में काम करना होता है। और जब कहीं पर सरफेस मेरा क्या होता है, ज़्यादा गड्ढा ऊँचा रहता है, तो उसको हमको अगर लेवल करना होता है तो हम लोग उसको जिग जैग वे में फाइलिंग करेंगे। तो जिग जैग फाइलिंग कैसे होता है, सबसे पहले फाइल को इस तरह से हम लोग रखेंगे और इस डायरेक्शन में आगे लेके जाएंगे, लेकिन पीछे जब लाएंगे तो इसको थोड़ा सा एंगल दे देंगे और इस तरह से हम लोग रिटर्न लाएंगे। उसके बाद क्या करना है, फिर सीधा ले जाना है, ऐसे नहीं करना है। बहुत कोई क्या करता है, यहीं पे घिसते रहा, फिर यहाँ पे साफ किया, फिर ऐसे साफ किया, तो ऐसे में क्या होता है, हमारा ये पूरा सरफेस एक लेवल में नहीं होता है। तो ये पूरा सरफेस हमारा लेवल में है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिग जैग वे में फाइलिंग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर ड्रॉ फाइलिंग करेंगे। ड्रॉ फाइलिंग करने से मेरा क्या होगा, बहुत ही जल्दी सरफेस तैयार हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉ फाइलिंग में मेरा सबसे ज़्यादा मटेरियल कटता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों साइड का फ्लैट पहले तैयार कर लेंगे। उसके बाद जैसे जो भी मटेरियल हम जब कट करेंगे, तो जिधर मटेरियल मेरा जो कंपनी के द्वारा बना हुआ आता है, जिस साइज में आता है, उधर का सरफेस का फ्लैट हमारा क्या होता है, लगभग एक क्लियर होता है। दोनों साइड जैसे ये है, ये जैसे देखो काटा हुआ है, ये क्या टेढ़ा कटा हुआ है। जब कोई भी ट्रेनिंग काटेगा, तुम खुद काटेगा, उस टाइम क्या थोड़ा टेढ़ा कटा रहेगा, या फिर कोई काट के छोड़ दिया है टेढ़ा, तो अगर इसको हम लोग पहला साइड लेके काम करना स्टार्ट करेंगे तो मेरा बहुत ही गलत बनेगा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमको राइट एंगल बनाने में। तो उसके लिए क्या करेंगे, रेफरेंस के लिए हम लोग कोई ये दो डायरेक्शन में से कोई एक डायरेक्शन हम लोग ले लेंगे। इससे क्या होगा, जैसे एक डायरेक्शन हम लोग इसको लिए, इसको पहले इस फाइलिंग करके फिर हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल बनाएंगे, फ्लैट कर लेंगे, उसके बाद इसके साथ एक रेफरेंस लेके हम लोग इसको राइट एंगल बनाएंगे। तो उसके लिए एक थोड़ा सा फिनिश करके रखे थे ताकि जल्दी इसमें समझ में आए। तो उसके लिए ये देखो, इसमें क्या है हमारा, ये सरफेस पूरा क्लियर है, ये भी सरफेस मेरा क्लियर है, उसके साथ साथ हम लोग क्या किए हैं, एक साइड को पहले स्मूथ कर लिए, एक साइड को हम लोग पूरा इसको फ्लैट तैयार कर लिए, एक साइड का हमारा फ्लैट इसमें तैयार हो गया है। ठीक है, तब इसी तैयार किए हुए फ्लैट को हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसी के रेफरेंस में दूसरे साइड को, इसके एक साइड के रेफरेंस में दूसरे साइड को हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल बनाएंगे। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो
पहले इसको हम लोग ट्राई स्क्वायर से चेक कर लिए कि मेरा ये सही से बना हुआ है कि नहीं। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे उसको थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है। इसको बंद करो, कोई भी बंद करो। तो इसको हमको क्या करना है, जब एक साइड मेरा क्या करना होगा, इसको स्मूथ बन जाएगा, स्ट्रेट मेरा बन जाएगा, उस समय हम लोग को क्या करना है, देखेंगे कि दोनों साइड में किधर हमारा ज़्यादा राइट एंगल के व्यू में दिख रहा है। जिधर मेरा दिखेगा उधर हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से क्लैंप करेंगे, उसके बाद हम लोग फाइलिंग करेंगे। तो इसमें भी फाइलिंग हम लोग क्या जिग जैग वे में भी फाइलिंग करके कर सकते हैं, या फिर अधिकांश ड्रॉ फाइलिंग करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, ये ड्रॉ फाइलिंग जब करेंगे तो फाइल को नीचे नहीं उतारना है आगे की ओर ना पीछे की ओर, इसको हमेशा इसी जॉब के ऊपर ही इसी प्रकार से घिसते जाना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जल्दी से ये हमारा सरफेस का जो साइड है, इसका साइड हमारा फ्लैट जल्दी तैयार हो जाएगा। और ये रिफरेंस लेते हुए, दूसरे साइड का रिफरेंस हम लोग ट्राई स्क्वायर से चेक करते हुए आसानी से इसको हम लोग राइट एंगल में तैयार कर लेंगे। इसको हम राइट एंगल तैयार करके दिखाते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना, ये कभी कभी इस पर काम करने के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, कभी फाइल को इधर रख देते हैं ज़्यादा, कभी इधर वेट। तो उससे क्या होगा, अगर फाइल का वेट हम इधर साइड में ज़्यादा छोड़ते हैं तो फाइल हमेशा इधर क्या होगा, झुका हुआ रहेगा। हम काम करेंगे तो फाइल मेरा इधर झुकेगा तो क्या करेगा, इधर का कॉर्नर को ज़्यादा घिस देगा, इधर के साइड का मेरा ज़्यादा घिस जाएगा, इधर कम घिसेगा। उससे क्या होगा, हमारा जब हमारा ये जॉब तैयार हो जाएगा और ट्राई स्क्वायर से जब इसका साइड के साथ हम लोग 90 चेक करेंगे, साइड कॉर्नर इसका जब चेक करेंगे, कॉर्नर क्या होगा, एक साइड मेरा धस जाएगा, एक साइड मेरा क्या होगा, उठा हुआ रह जाएगा। हमारा राइट एंगल इधर से तो बन जाएगा, लेकिन इधर से भी जब राइट एंगल चेक करेंगे साइड से कॉर्नर का, साइड से साइड हमारा राइट एंगल बन जाएगा, लेकिन साइड से जब कॉर्नर चेक करेंगे हम लोग, फ्लैट से जब कॉर्नर चेक करेंगे तब हमारा वो क्या होगा, रेडी नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, फाइल को इसके ऊपर पहले से एक स्टेबल रख देना जहाँ पे मेरा फाइल खड़ा हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग इस प्रकार से फाइलिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये पूरा स्ट्रेट फाइलिंग होगा। इसके बाद आसानी से हमारा ये जो 90 बनाने के लिए इसका एंगल जो तैयार कर रहे थे, ये हमारा क्या होगा, फाइल ये तैयार हो जाएगा। और इसको स्पीडली नहीं काम करना, आराम से धीरे धीरे इस पर काम करना है, ठीक है। इस तरह से हम कंटिन्यूअस करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये राइट एंगल तैयार हो जाएगा। जब हमारा ये लगभग में हो जाएगा तो उस समय क्या करेंगे, एक बार फाइल को स्ट्रेट रख के भी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे फाइलिंग कर देंगे। अगर हल्का भी कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत रहेगा तो वो क्या होगा, उससे फाइलिंग होकर हमारा क्या होगा, ये हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग अब क्या करते हैं, जब ये काम करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बार बार इसको ट्राई स्क्वायर से चेक भी करते रहेंगे। क्या करेंगे, ट्राई स्क्वायर से चेक करते रहेंगे। तो हम इसको देखते हैं ट्राई स्क्वायर से चेक करके, ट्राई स्क्वायर से चेक कैसे करेंगे, जहाँ से लाइट आ रहा होता है उस जगह पे हम लोग ले जाएंगे, ट्राई स्क्वायर रखेंगे, इसका ब्लेड को इसका कॉन्टैक्ट में लाएंगे। जब देखेंगे कि लाइट हमारा पास नहीं हो रहा, जैसे इसमें हमारा लाइट अभी पास नहीं हो रहा है, तो हम इसको समझ सकते हैं कि ये मेरा साइड तैयार हो गया। अब रिफरेंस में हम लोग इसको 90 बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये साइड हमारा क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट में आ रहा है, इधर कॉन्टैक्ट में हमारा नहीं आ रहा है, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो तो हम लोग क्या करेंगे, उस समय इसी को घिसेंगे जहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट में आ रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा इसमें कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, लाइट पास नहीं होगा, तो हम लोग समझ लेंगे ये राइट एंगल हो गया। हमारा अभी कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे हमारा कॉन्टैक्ट में आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, तुरंत इसको पहले हम लोग घिसेंगे और हम राइट एंगल को इसको तैयार करेंगे, ठीक है। इसमें ध्यान देना है, स्पीडली काम करने की कोशिश नहीं करनी, नहीं तो क्या होगा, हमको कहीं और चेक करना था, हम कहीं और घिस के इसको आगे और निकाल देंगे, वैसा हम चेक नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार से हम बार बार काम करने के टाइम में अपना चेक करते हुए काम करेंगे। तो ये देख पा रहा होगा इसमें कि हमारा जो ये राइट एंगल तैयार कर रहे थे, ये मेरा पूरा तरह से राइट एंगल तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, बस इसका सिर्फ फिनिशिंग देना है, क्योंकि
बीच में हमारा थोड़ा सा लाइट पास हो रहा है, बाकी ये पूरा साइड हमारा क्या है बैठ गया है। तो बीच को हम कैसे, बीच में हमारा क्या है लाइट पास हो रहा है, दोनों साइड में लाइट पास नहीं हो रहा है, उसके लिए हम क्या बताए थे, एक बार फाइल को स्ट्रेट रखना है और इस प्रकार से फाइलिंग कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम एक बार इसको चेक कर लेंगे कि हमारा ये कंप्लीट रूप से तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, इधर आ जाओ तुम लोग। ठीक है, ये चीज़ जब हम हो गया तो हम लोग इसके ऊपर ऐसे भी ब्लेड को रख के चेक करते हैं कि हमारा बीच में ये गैप दिख रहा है क्या। तो गैप दिख रहा है क्या नहीं। तो हम लोग अब क्या समझेंगे, जब हमारा गैप नहीं दिख रहा है, पूर्ण रूप से हमारा ये कंप्लीट हो गया, तो हम लोग इसको ट्राई स्क्वायर से चेक करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा ये राइट एंगल बन गया। उसके बाद राइट एंगल सिर्फ हम लोग जब बनाएंगे तो सिर्फ एक भुजा से दूसरे भुजा संलग्न भुजा 90 बनाना मायने नहीं रखता है, हमको ये साइड से भी देखना है, इधर से भी लेफ्ट साइड जो है हमारा, इधर से भी देखना है कि ये हमारा 90 बना है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे जिधर हम अभी वर्क किए हैं, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, पूरा इसका जो साइड है हमारा पूरा ब्लेड के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहा है। तो इस तरह से भी चेक करना कि इधर से भी मेरा 90 होना चाहिए और इधर जो काम किए थे इधर भी हमारा 90 होना चाहिए। जब हमारा इतना कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग उसको समझेंगे कि हमारा ये राइट एंगल है। कोई भी आओ चेक करके देखो है कि नहीं, सामने आ जा, इधर सब सामने हो ना, सब सामने उधर जाओ, सब सामने हो ना, आ इधर रंजीत, आ जाइए इधर, इधर मुझे जाइए, हाँ सर परफेक्ट है। ठीक है, अब ये हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग इसके ऊपर, हम लोग अब मार्किंग मीडिया लगाएंगे। मार्किंग मीडिया लगाने के बाद वर्नियर हाइट गेज से हम लोग क्या करेंगे, इसमें मार्किंग करके इसमें दिखाएंगे। कोई भी एक जॉब का ड्राइंग लेंगे उसको इसके ऊपर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो बना रहे हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग मीडिया लगाएंगे इसके ऊपर लेप, वो जब सूख जाएगा फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे, मार्किंग करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही।